देशभर में व्याप्त कोरोना महामारी के संभावित प्रसार की रोकथाम हेतु मंगलवार 18 अगस्त से रांची के 20 केंद्रों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट मास ड्राइव शुरू होगा। इस दौरान सभी केंद्रों पर रांची जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मेडिकल टीम मौजूद रहेगी, जहां रांची जिला के लोग अपने पास के केंद्र पर पहुंचकर अपना कोविड-19 टेस्ट सैंपल जमा करवा सकते हैं। इस अभियान की सफलता के लिए उपायुक्त छवि रंजन के निर्देशानुसार अलग अलग केंद्रों हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची जिला अंतर्गत ऐसे 20 केंद्र बनाए गए हैं जहां आमजनों की सुविधा हेतु जिला प्रशासन की टीम मौजूद रहेगी, साथ ही सैंपल कलेक्शन हेतु टेस्ट किट के साथ मेडिकल टीम तैनात रहेगी। इन केंद्रों एवं संबंधित पदाधिकारी को ऑर्डिनेटिंग व्यक्ति भी नामित किए गए हैं। रांची के सीएमपीडीआई में आलोक कुमार, झारखंड हाई कोर्ट में संजीव झा, रेड क्रॉस सोसाइटी में अपर समाहर्ता नक्सल, केंद्रीय कारा होचवार में जेल अधीक्षक, मारवाड़ी भवन में चेंबर अध्यक्ष कुणाल आजमानी और धीरज तनेजा, सैनिक बाजार परिसर में चेंबर अध्यक्ष, वेयर हाउस कांके में बीडीओ कांके, रातू अंचल कार्यालय में बीडीओ रातू, नगड़ी अंचल कार्यालय में बीडीओ नगड़ी, सीओ ऑफिस नामकुम में बीडीओ नामकुम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिल्ली में बीडीओ सिल्ली, अनगढ़ा पिस्का के सीएचसी में संबंधित बीडीओ, हाई स्कूल सोसई आश्रम मांडर में बीडीओ, मध्य विद्यालय बेड़ो में बीडीओ, वीर बुद्धू भगत इंटर कॉलेज चान्हो में बीडीओ, बुंडू अस्पताल में बीडीओ बुंडू, निलय कॉलेज ठाकुर गांव में बीडीओ बुड़मू, तमाड़ और सोनाहातू के सीएचसी में संबंधित बीडीओ को जवाबदेही सौंपी गई है। सभी केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का आवश्यक पालन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही केंद्र पर उपस्थित अधिकारी और मेडिकल टीम द्वारा दी जा रही गाइडलाइन का अनुपालन करने को कहा गया है। पिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।